तो हमें थोड़ा समय कम मिला, 25 लाख वोट है और 25 ही दिन मैंने लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, 6.25 लाख के करीब वोट दे दिया इतने दिन में ही। पिछली दफ़ा 2.75 लाख था, तो बहुत बड़ा लीप है। क्या भीतरघात भी वजह मानते हैं? लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए 2 दिन हो चुके हैं और फरीदाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, विजय प्रताप सिंह जी। जानते हैं उनसे कि क्या मंथन रहा, क्या इसका क्या मंथन में समझ में आया कि हार का क्या कारण रहे, कितनी निराशाजनक रही ये हार? नहीं, हार हमेशा थोड़ा पीड़ादायक तो होती है, पर कोई निराशा नहीं है। आकलन हमने किया है तो हमें थोड़ा समय कम मिला, 25 लाख वोट है और 25 ही दिन मैंने 1 लाख वोट प्रतिदिन कवर करने का, तो हमें हमारे आकलन से अगर 1 महीने पहले हो जाता तो शायद हम लोगों तक पहुंच जाते। लोग हमारा इंतजार कर रहे थे कैंडिडेट का और मेरा, तो हम सब जगह पहुंच नहीं पाए। तकरीबन 50% एरिया ऐसा रह गया जहां हम पहुंच नहीं पाए। इतना बड़ा चुनाव है, 9 हलके हैं। बहुत अच्छा लड़ा जनता ने, लड़ा लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, 6.25 लाख के करीब वोट दे दिया इतने दिन में ही। पिछली दफ़ा 2.75 लाख था, तो बहुत बड़ा लीप है। और मैं समझता हूँ 90% कार्य पूरा हुआ, 10% का जो कमी है वो भी समय का ही अभाव था, अन्यथा नतीजे कुछ और होते हैं। क्योंकि करीब 1.5 महीना पहले आपकी टिकट से 1.5 महीना पहले बीजेपी कैंडिडेट को टिकट मिल गया था। हाँ, समय का माइलेज उनके पास रहा है और वो पहले से ही सांसद हैं, तो सारा एरिया घूमते ही रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा सा, मैंने जैसा आपको बताया, 1 महीने में पूरा एरिया कवर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। उसके बावजूद जो बेस्ट हो सका हमने लोगों के प्यार से हमने किया। क्या भीतरघात भी वजह मानते हैं? वो तो देखो, हर पार्टी में मामूली चीज़ें होती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली हो सकता है। कहीं अभी हम आकलन कर रहे हैं, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना। और वैसे पार्टी तकरीबन एकजुट रही है, फिर भी हम कारणों की जाँच अभी कर रहे हैं। क्योंकि हथीन को छोड़कर कोई भी ऐसा हल्का नहीं रहा, अगर कहीं कांग्रेस आगे रही तो बहुत कुछ 100 में, और जितने जैसे पृथला हुआ, या माफ़ कीजिए, जैसे तिगांव हुआ, बल्लभगढ़ हुआ, यहाँ इतना मार्जिन एक्सपेक्ट किया था क्या? ये हथीन के अलावा होटल में भी लीड रही है 550 वोट की, 7,000 से कुछ ज़्यादा पृथला भी लीड रही है। शहर में जो ये 5 सीटें शहर की, NIT, बड़कल, ओल्ड, तिगांव और बल्लभगढ़, पलवल का शहर भी आप ले लो, वहाँ भी हम 20-25 हज़ार से पलवल शहर में हारे। तो शहर में हम इस बात का आकलन करने में या तो शायद असफल हो गए। हमें लगा कि शहर बहुत परेशान है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जो शहर कभी नंबर एक होता था आज नंबर आखिरी पे है। पॉल्यूशन हो गया है, गार्बेज सिटी हो गया है, सीवर, सड़क, बिजली, पानी के लिए तरस रहा है, तो शहर परेशान था। लेकिन हम ये आकलन करने में नाकाम रहे कि शहर ने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया मोदी के नाम पर। आप मान रहे हैं कि मोदी फैक्टर चला फरीदाबाद, शहर में मोदी फैक्टर चला, तभी शहर में बीजेपी फरीदाबाद ज़िले में 2 लाख के करीब की लीड ले पाई। क्योंकि बहुत जगहों पर किशन पाल गुर्जर ने माफ़ी भी मांगी, तो लगा आपको कि लोगों ने माफ़ किया उन्हें? माफ़ी मांगनी उनको इसलिए पड़ी कि उन्होंने कोई काम नहीं किया था, और लोगों ने बड़ी नाराज़गी उनसे व्यक्त की, उनको भला बुरा कहा। लेकिन बाद में मुझे लगता है कि मोदी को वोट दिया है प्राइम मिनिस्टर के, उनको 400 पार के झांसे में जो लोग आए हैं, मोदी का भी बात नहीं है, लोग 400 पार के, जैसे हरियाणा में 75 पार था उसके झांसे में लोग आ गए थे और सीटें निकली 40, यही सेंटर में रहा 400 पार बोलते रहे, ये बीजेपी की सीट निकली 240, तो लोग झांसे में आए। तो क्या कांग्रेस भी अगली बार इस तरह की कोई रणनीति अपनाएगी? नहीं, कांग्रेस ऐसे जुमलेबाजी और झूठे प्रचार में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस ने अपनी नीतियाँ रखी है, मैनिफेस्टो रखा है, और इंडिया के साथ गठबंधन किया है, इंडिया गठबंधन जो हुआ उसमें इतनी सीटें आई हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ा है, लौटा है। और इन झांसे बाजों की जो 400 वाली बात थी, उससे कुछ लोग जो है ना, उनकी भी आँखें खुली हैं परसों, और मैं समझता हूँ कि अब तस्वीर साफ हो गई है। अच्छा, हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस जहां 0 पर खड़ी थी 2019 में, अब 5 सीटों पर खड़ी है, तो इसमें कितना फ़ायदा मानते हैं अगले विधानसभा चुनाव? निश्चित तौर पर फ़ायदा है, आधी सीटें हमें मिली हैं और बाकी सीटों पर हमारा वोट परसेंटेज बहुत बड़ा है। फरीदाबाद ही आप देखें तो 42% हुआ है, ओवरऑल आप देखें तो मेरे ख्याल से 47-48% वोट आया कांग्रेस को,
हरियाणा में, तो परसेंटेज बहुत बड़ा है, बहुत नज़दीक आ गए हम। पहले भी अगर आप देखें लोकसभा विधानसभा में तो ज़मीन आसमान का अंतर था। लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा हुए, हमारी 0 सीटें थी लोकसभा में, विधानसभा में 31 आई, वोट परसेंटेज हमारा बहुत बड़ा। अगर वही अनुपात अब रहता है तो अब हालात ये है कि विधानसभा तो हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो क्या अब अगली तैयारी विधानसभा के लिए होगी? बिल्कुल पूरी तैयारी है और पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है, और अपनी नीतियों के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ हम लोग तैयार हैं। अच्छा, जैसे अगर बड़खल हलके की ही बात की जाए जो कि आपका हलका है, वहाँ भी 34,000 से पिछड़ गए, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये कवर होगा या इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, शहरी क्षेत्रों में मोदी फैक्टर चला है, लोग 400 पार के झांसी में आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बढ़त रही है सभी जगह, तकरीबन पूरे फरीदाबाद में। शहरी क्षेत्र में, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है बड़खल, यहाँ पिछला लोकसभा आप देखें तो पिछले लोकसभा में कांग्रेस को 34,000 वोट मिले थे, अब के तकरीबन 65,000 वोट मिले, दुगने के करीब आ गया है। और बीजेपी पहले से कम हुई, हमारा वोट परसेंटेज यहाँ बहुत ज़्यादा रहा है पहले के मुकाबले। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर है, इसीलिए यहाँ फ़र्क रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जब जो अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मुद्दे डिफरेंट होंगे, वहाँ मोदी फैक्टर शायद, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री के लिए शायद निश्चित तौर पर बीजेपी को वो लाभ नहीं मिल रहा है, मोदी वहाँ चेहरा नहीं है और मोदी का चेहरा भी अब कमज़ोर है। लोग, हम मैंने पहले कहा, लोग झांसे में आ गए, मोदी का चेहरा भी कमज़ोर हो चुका था, 400 पार के झांसे में आ गए। और निश्चित तौर पर स्टेट के अंदर तो बिल्कुल पूरी तरह परिवर्तन है, मोदी चेहरा नहीं है यहाँ पर, और स्टेट लीडरशिप बहुत वीक है हरियाणा में, बीजेपी से लोग परेशान हैं। अगर आप पिछला इलेक्शन ही लगाएंगे, मेरा लोकसभा हम हारे थे 80,000 से भी ज़्यादा से पिछला 2019, और विधानसभा में मेरा मत डिफरेंस रह गया था तकरीबन 2,500, तो उस हिसाब से तो हम कंफर्टेबली इसको कवर करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जो हमारी कमियां रही हैं इस चुनाव में उनका सुधार भी करेंगे। जिस तरह बीजेपी का प्रधान इसमें पार्लियामेंट चुनाव में रहा कि चेहरा कौन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, तो क्या बीजेपी को आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में यही बात कहेगी कि हमारे पास सैनी साहब हैं सीएम के तौर पर, तो विपक्ष के पास कौन? हुड्डा साहब हैं, बिल्कुल सर्वमान्य चेहरा है, हुड्डा जी से बढ़िया चेहरा कोई आज हरियाणा में किसी भी पार्टी में नहीं है, और उन्होंने साबित भी किया है। हुड्डा साहब हमारा चेहरा होंगे, मेरा ही मानना है। तो इस बार जैसे टिकट लेट बटी, तो क्या विधानसभा में ये समय पर बटेगी? हाँ, हम तो यही सुझाव दे के आएंगे हाईकमांड को, पहले भी हमने यही कहा था कि लोकसभा अगर 3 महीने पहले दे देंगे तो हमें लाभ होगा, और अगर ऐसा किया होता तो शायद हमारी सीटें 2-3 और बढ़ गई होती। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बाकी आपके माध्यम से मैं फरीदाबाद की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में हमें 1 महीने के अंदर ही, आप देखिए, 6,15,000 वोट दिया है। जनता ने ये चुनाव लड़ा है, जनता इस भाजपा से परेशान थी और उन्होंने दिखा दिया, उनका हृदय से आभार है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रहे चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे, जो पिछला विधानसभा चुनाव बड़खल विधानसभा सीट से लड़े थे। उनका कहना है कि समय बेहद कम मिला था क्योंकि कांग्रेस की टिकट लेट बटी, फरीदाबाद को टिकट लेट मिली, जिसके चलते वो पूरे लोगों तक पहुंच नहीं पाए और उसी का खामियाजा फरीदाबाद में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि विधानसभा चुनावों में वो आलाकमान को ये ज़रूर बताएंगे कि टिकट जो बांटने का काम है वो समय पर हो, जिससे कांग्रेस को नुकसान ना हो। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।